गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग इसके पहले जो बात कर चुके हैं, हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी बताया है, फंडामेंटल डिराइव्ड। और हमने फिजिकल क्वांटिटी में शुरू किया है, पहला हमने लिया है मास। आज हम जो लेने जा रहे हैं इसमें, वो लेने जा रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। एस के अलावा इसको एक्स से भी डिनोट किया जाता है कोई कोई जगह पे। डिस्टेंस होता क्या है? जैसे मैंने बोला कि एक बॉडी है, ये इसका एक पोजीशन है, और इसको मूव करा के हमने दूसरे पोजीशन पे ले लिया है। बॉडी एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन। अब जब हम इसको लेके जाते हैं तो इसने क्या कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया। डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस हो गया चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पोजीशन चेंज होना एक जगह से दूसरी जगह पे। मैं यहां पे हूं, यहां से मैं यहां पे गया। बॉडी वन पोजीशन, अनदर पोजीशन। क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लस टू अनदर। फंडामेंटल क्वांटिटी है डिस्टेंस, मतलब लेंथ है। हमने जो साथ फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी उसमें लेंथ भी था। फिर इसका अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होगा, तो हमने बात किया है हम दो प्रकार की यूनिट से इंटरेक्ट करेंगे, एक सीजीएस और एक एमकेएस। अगर हम बात कर रहे हैं सीजीएस, तो ये सी जो है इट स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस का जो सीजीएस यूनिट है ये सेंटीमीटर हो गया। एमकेएस या एसआई, हम लोगों की पहले बात हो चुकी है, जो भी एमकेएस है वो एसआई होता है। तो एमकेएस का ये जो एम है इट इज मीटर, तो मीटर जो है इट इज एमकेएस और एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फिर अगर हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करें, डायमेंशन क्या होगा, तो हम लोग डायमेंशन बताते हैं तीन टर्म में, एमएलटी मास, लेंथ और टाइम। डिस्टेंस की बात है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन अबाउट 7 किलोमीटर, तो कितना किलोग्राम वाली बात नहीं होगी, मतलब एम जीरो होगा। डिस्टेंस में किलोग्राम का कोई रोल नहीं होता। हाँ, लेंथ तो ये है, तो एल वन और टी जीरो। डिस्टेंस जो है टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, आज से 50 साल पहले नागपुर और मुंबई के बीच का जो दूरी है ये नियर अबाउट 1000 किलोमीटर था। आज भी उतना ही है, और आज से 50 साल बाद इतना ही रहेगा 1000 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो उसमें टाइम जीरो होता है। तो दिस इज अबाउट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के जैसे ही दूसरे यूनिट जो है, डिस्टेंस जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी। हमने स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया था विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस के जैसे ही दूसरी जो क्वांटिटी है इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एस या एक्स। इसको भी हम एस या एक्स से डिनोट करते हैं। तो बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग नाम क्यों? डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन में सिर्फ हम एक चीज और जोड़ लेते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस में बोला चेंजिंग ऑफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्प्लेसमेंट में हमको एक चीज और एड करनी पड़ेगी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब, अगर आप डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में होता है सेम डेफिनेशन है, चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लस टू अनदर, बट यहाँ पे आ जाएगा कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है। बोलचाल की भाषा में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ही बोलते हैं। जैसे अगर मेरे को बोलना है कि भाई यूनिवर्सल लर्निंग सेंटर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, 7 किलोमीटर, तो अगर इस सेंटेंस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें मैंने डायरेक्शन पहले ही मान दिया। कहाँ से शुरू? यूनिवर्सल लर्निंग सेंटर। एंडिंग पॉइंट क्या है? रेलवे स्टेशन। तो ये हो गया डायरेक्शन, यहाँ से रेलवे स्टेशन। तो दैट इज डायरेक्शन। जब कभी भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो चीज हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बोलचाल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ही बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनसे रिलेटेड दो चीजें और आती है, एक होती है स्पीड और एक होती है
वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया है कि नागपुर टू मुंबई ये 1000 किलोमीटर है, मान के चलिए कोई ट्रेन अभी तो सब बंद है, कोई ट्रेन इसको 10 आवर्स में कवर करती है, मतलब नागपुर से शुरू हुआ और मुंबई पे 10 घंटे में कोई ट्रेन पहुंचा देती है, तो व्हाट विल बी स्पीड? स्पीड जो है ये होगा 1000 किलोमीटर अपॉन 10 आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड। मतलब स्पीड में हमने दो फिजिकल क्वांटिटी लिया है, ऊपर वाली जो है इट इज डिस्टेंस और नीचे वाली जो है इट इज टाइम। तो स्पीड जो होता है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर दूसरी बात आती है कि इसका यूनिट क्या है, यहाँ पे हम लोग उसका एक यूनिट देते हैं किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोग जो इंटरेक्शन करने वाले हैं इट इज सीडीएस एंड एमकेएस। तो अगर मैं बात करूं कोई भी चीज का यूनिट या डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो आप उसके फॉर्मूले पे आ जाइए, फॉर्मूले से आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज सेंटीमीटर में लिया जाता है और टाइम को लिया जाता है सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड जो है ये हो गया यूनिट, इसी को हम बोलते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। एमकेएस यूनिट में अगर मैं आऊं तो सेंटीमीटर की जगह मैं लूंगा मीटर और सेकेंड की जगह सेकेंड ही लूंगा, तो ये हो गया इसका एमकेएस या एसआई यूनिट। वन सेकेंड, अगर मेरे को इसका डायमेंशन निकालना है तो मेरे को फिर से इसके फॉर्मूले में आना पड़ेगा। इस पे इसमें अगर मैं ये देखूं एस, ये जो है ये डिस्टेंस है, एल मतलब ये लेंथ है, टी अपॉन टी, और जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है हमको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, एल बाय टी, दिस इज डायमेंशन फॉर स्पीड। मतलब इसको अगर मैं एम एल और टी के टर्म्स में लिखने जाता हूं तो इसमें एम नहीं है, एम जीरो, लेंथ वन, यस, टी जो है अपॉन में है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो इट इज माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पीड। फिर जो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड वंस अगेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइप से, उसको जो हमने समझाया उस प्रकार से एक ही चीज है। स्पीड बोला है तो डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी बोला है तो डायरेक्शन कंसीडर होगा, मतलब वेलोसिटी का डेफिनेशन भी ये सेम ही होगा। एस, यहां पे एस जो है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट डायमेंशन विल बी सेम फॉर वेलोसिटी। तो मेरे ख्याल से स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा। स्पीड वगैरह जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलता है उसमें स्पीडोमीटर होता है, उसमें किलोमीटर पर आवर में हमको उसका रीडिंग मिलता है। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन एक बॉडी है, एक्सीलरेशन को जो डिनोट किया जाता है इट इज ए, और जी जो है दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जिसका वैल्यू 9.8 होता है। हम लोग ये भी समझेंगे वो वैल्यू 9.8 हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन हम लोग उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में समझने वाले हैं। अभी हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बात किया एक बॉडी मूव हो रही है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, अपन ने एक आंकड़ा ले लिया कि इससे मूव हो रही है, बाहर से इसको मान लीजिए कुछ फोर्स लगाया गया, तो व्हाट विल हैपन, इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा। अब हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी उसका बढ़ेगा ही, अब 2 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, इसके लिए कुछ टाइम भी लगेगा, उस टाइम को हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 सेकंड, ठीक है।
तो इस किस्से में एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा 10 - 2/4। मतलब मैंने क्या किया, मैंने लिया ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है तो इनिशियल और फाइनल लेना होगा, और ये करस्पॉन्डिंग टाइम है 2 से 10 होने के लिए। तो मैंने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज टाइम अपॉन टाइम, तो दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है, तो इसको हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए कैसा है, जैसे मेरे पास 10 किलो शुगर है, उसमें से मैंने 2 किलो शुगर निकाल लिया तो बचा कितना, 8 किलो। तो ये जो 10 किलो है, किलोग्राम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मास है, 2 किलोग्राम मैंने निकाला, ये भी मास है, और बचा जो है 8 kg, वो भी मास है। मतलब चेंज ऑफ मास भी मास है, अगर हम कोई बॉडी से मास कम ज्यादा करते हैं तो चेंज ऑफ मास भी मास है, वैसे ही चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी है। अब इसके यूनिट पे अगर अपन आए, सीजीएस यूनिट पे आए, तो वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने डिस्कस किया, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने बोला है अगर हमको यूनिट और डायमेंशन चाहिए तो हमको उसके फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम अपॉन में एक और सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ऐसे यूनिट के लिए मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का अपॉन एक और सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ख्याल होगा हम लोग वैल्यू लिखते हैं जी का, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहीं से हम लोग उसके फॉर्मूले से ही उसका यूनिट निकालते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा, वंस अगेन हमको फॉर्मूले पे आना होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला एस बाई टी अपॉन टी, मतलब मैंने यहां पे क्या किया, वी की जगह एस बाई टी रखा जो हम अभी देख चुके हैं, और अपॉन में एक और टी है, मतलब ये कुल मिलाकर क्या हो गया, एस बाय टी स्क्वायर। अब एस बाय टी स्क्वायर, एस क्या है, लेंथ, एस यानी लेंथ डिस्प्लेसमेंट, और टाइम अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सीलरेशन। मतलब एम एल टी के टर्म्स में मैं लिखने जाऊं तो एम जीरो है, एल वन है, और इस टी स्क्वायर को ऊपर लाऊंगा तो टी माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। इसमें जो हम लोगों ने बात किया है डिस्टेंस और स्पीड, ये दो स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे हम लोग डायरेक्शन से कंसर्न नहीं रखते। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसमें डायरेक्शन का महत्व होता है, मतलब दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, वो दो स्केलर थे, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम पे आते हैं हम लोग, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। देखिए पी से प्रेशर भी डिनोट करते हैं, कोई अगर हम सिंबल यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसी का है, वो सिंबल कहीं और भी यूज हो जाता है। जैसे प्रेशर के लिए भी पी यूज होता है, मोमेंटम के लिए भी पी यूज होता है। जैसे मैं बात करूं व्हाट इज मोमेंटम, एक बॉडी है फॉर एग्जांपल 10 kg, ये मूव हो रही है 2 m/s, जो अभी हमने लिया कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस हिस्से में मोमेंटम जो है इट इज 10 kg × 2 m/s। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं ले रहा हूं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट है किस चीज का, मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब मोमेंटम जो है वो मास के साथ साथ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है,
जैसे हमने एग्जांपल लिया, मैंने इसमें कुछ फोर्स लगाया, इसका वेलोसिटी बढ़ा 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो इस किस्से में जो मोमेंटम है इट विल बी 10 केजी बॉडी का है मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है, तो वो हो जाएगा 100। यूनिट क्या होगा? तो केजी मीटर पर सेकंड। हमने इन दोनों यूनिट का मल्टीप्लाई कर लिया है, यहां पे भी हम वही करेंगे 10 × 2 20 केजी मीटर पर सेकंड। और ये जो है उसी बॉडी का 20 था मोमेंटम, उसी बॉडी का मोमेंटम 100 हो गया। तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन मास, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। फिर हम लोग आते हैं इसके सीजीएस और एसआई यूनिट, मतलब एमकेएस यूनिट पे। तो मास का जो यूनिट है सीजीएस, इट इज ग्राम, और वेलोसिटी का जो सीजीएस यूनिट है इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। एमकेएस भी वैसे ही निकालेंगे, केजी और इनटू मीटर पर सेकंड, मतलब ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड। दिस इज ये हमने लिखा दी है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड इज द एमकेएस और एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। फिर इसके डायमेंशन के लिए आते हैं, वंस अगेन हम फॉर्मूले पे आएंगे, मतलब इस चीज पे आ जाते हैं हम लोग आपसे। एम इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एम इंटू एस बाई टी, वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टी। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, एम एल बाय टी, एस का एल और टी का टी। सिंगल लाइन में अगर मैं लिखू तो एम वन है, एल वन है, टी इनवर्स माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। वंस अगेन वेलोसिटी होने के कारण ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मोमेंटम की जब कभी भी हम बात करेंगे तो वी हैव टू कंसीडर इट्स डायरेक्शन। दिस इज अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड मास।